गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए स्वीट डे। टुडे वी लर्न इन एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर 6। इसके पहले हम इसके सेवेंथ क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है 2025 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेंट एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रो। कहने का मतलब उसने क्या किया, एक गार्डन के अंदर जो व्यक्ति था उसने 2025 प्लांट्स लगाए, उसने एक रो में उतने ही प्लांट लगाए जितने की नंबर ऑफ रो है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। लेट द नंबर ऑफ रो एक्स एंड द नंबर ऑफ प्लांट बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जितनी रो है उतने ही कॉलम है, तो एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टोटल कितना है 2025 स्क्वायर हुआ, ये क्या हो गया 2025। इधर से स्क्वायर हटाओगे फिर क्या बन जाएगा रूम। और सबसे पहले मैंने इसके फैक्टर किए, 5 से किया 5 4 20 5 5 5 8 14 5 3 से करूंगा 3 2 6 3 3 21 3 9 21 3 3 9 3। तो मैंने यहाँ पर सबके फैक्टर्स लिए, प्लान फैक्टर्स लिए थे, उनको फुट कर लिया 3 3 3 3 5 5। स्क्वायर रूट में 2 का क्या बनता है 2 3 3 3 9 और 9 5 45। यानी ईच रो कितनी है 45 और एक रो में प्लांट्स भी कितने हैं 45। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 एंड 5 एंड 10। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, एलसीएम ऑफ 4 9 10 4 9 90 94 360 का एलसीएम कितना आएगा 4 9 36 9 10 90 2 5 10 4 5 5 5 2 10 10 9 90। और क्या फैक्टर्स आएंगे, ऐसे इसके फैक्टर्स नहीं, पहले सबसे पहले हम फैक्टर्स करेंगे 2 से 4 9 10। सो सबसे पहले हमने फैक्टर्स की 2 4 9 2 5 2 9 5 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
3, 5 and 8 और 5 बन गया 5. तो इसके फैक्टर्स क्या है, इसका एलसीएम 2 जा 4 और 3 जा 12 और 3 जा 36, 36, 5 जा 180. इसका एलसीएम कितना आ गया 180. अब मैं 180 की फिर से प्राइम फैक्टर्स कर दूंगा. पहले मैंने जो नंबर दिए हुए थे उनका क्या लिया, एलसीएम लिया. एलसीएम से जो नंबर निकल के आया, एलसीएम हो गया है, उसको मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टर. 9 जा 2, 4 जा 8, 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 16, 5 बन जा 5. ये आ 180 के फैक्टर मेरे पास क्या है, 2 2 3 3 5. अब देखो 3 का प्यार बन चुका है और 2 का प्यार बन चुका है. सिंस 5 है नो प्यार, 5 का प्यार नहीं बना, देयरफॉर 5 मस्ट बी मल्टीप्लाई. तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 × 5, 5 0 से 0 to 5 से 90. देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर इज, द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल ऑफ 4 9 और 10 से क्या होगा, इक्वल टू 9. तो
इस तरह से आप उसे स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कर सकते हैं जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल होगा। बात करते हैं उसके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसका बिल्कुल सेम है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा 8, 15 एंड 20। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो मैंने किया 8, 15 और 20 एलसीएम, 2, 4 जाए 10 जाए 20, 2, 2 जा 4, 2, 5 जा 10, 2, 1 जा 2, फिर 3 से काटेंगे 3, 5 जा 15, 5 जा 6, 5 जा 5, 5 से जा 15, 15 जा 30, 30 जा 120। एलसीएम हमारा कितना आ गया बेटा 120। अब 120 की मैं प्राइम फैक्टर्स करूँगा, 2, 6 जा 2, 3 जा 2, 1 जा 3, 5 जा 5, 5 3 जा 15, 15 2, 2, 2, 3, 5। इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 120 के, 2, 2, 2, 3, 5। यानी कि हमारा सिर्फ एक टू का क्या पेयर बना है और किसी का पेयर नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे 2, 3, 5 सिंस 2 इंटू 3 इंटू 5 है नो पेयर, therefore 2, 3, 5, 5, 3 जा 15 इंटू 30 मस्ट बी मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 12, 3 जा 36। यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर जो किससे डिविजिबल हो 8, 15, 20 से डिविजिबल हो जो हमारा क्या होगा 3600। तो इस तरीके से हम वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं जो कि 3 नंबरों से 2 नंबरों से डिविजिबल होता है। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। हैव अ गुड डे।